आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो बहुपद जो है वो जी ऑफ एक्स से भाग देने पर मेरा भागफल और शेषफल कुछ इस प्रकार यहाँ दिया है। तो क्रमशः का मतलब यह होता है कि पहले भागफल का मान यहाँ दिया हुआ है और शेषफल का मतलब भागफल के बाद ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स ज्ञात करना है। तो हमें जो जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर नोट किया है। तो यहाँ पर ये जो मान जो दिया है बहुपद, ये बहुपद क्या होगा, भाज्य होगा और भाज्य को पी ऑफ एक्स से लिखा जाता है ना। और भागफल का मान क्या दिया है, एक्स माइनस 2, जिसे क्यू ऑफ एक्स से लिखा जाता है। और शेषफल का मान क्या है, माइनस 2x प्लस 4, जिसे आर ऑफ एक्स से लिखा जाता है। और यहाँ भाजक क्यू ऑफ एक्स, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम से जी ऑफ एक्स का मान ज्ञात करें। और विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भाज्य क्या है, तो भाज्य मेरा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल, भाजक क्या है मेरा, भाजक क्या है, कुछ नहीं है तो q ऑफ x लिख देते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने में। इनटू भागफल क्या है मेरा, x माइनस 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। प्लस शेषफल क्या है मेरा, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4, है ना, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा और क्या होगा, 2x प्लस 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, तो ये माइनस 2x जो है इस साइड में होगा, तो क्या होगा, प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 4 होगा, इक्वल क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू क्या होगा, एक्स माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3x², अब देखिए यहाँ पर x है और प्लस 2x है, क्या होगा, प्लस 3x होगा। अब माइनस 4 में प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2, क्या होगा, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2। अब क्या करते हैं, इसको जो इस साइड में रखते हैं तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2, और इधर क्या आया मेरा मान, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, तो क्या होगा, हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या करेंगे, इसको इधर इस पट्टी में लाएंगे तो इधर गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा क्या होगा, एक्स माइनस 2 होगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 से इससे भाग दे के जी ऑफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बहुपद में जो पहला पद है और बाहर का पहला पद में क्या करेंगे, बटा में सॉल्व करके कुछ मान लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार, एक्स क्यू बाई एक्स लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, गुना में तोड़ेंगे, क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई क्या होगा, एक्स होगा, एक्स एस काटा क्या बचा, एक्स इंटू एक्स। अब इसको गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, यहाँ पर अब रखना है ना। अब इस एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 2 एक करके गुना करेंगे, तो सबसे पहले एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर से गुना किए तो क्या होगा, एक्स क्यू होगा। अब माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो क्या होगा, माइनस 2x², ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या मानेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3x² में प्लस 2x² जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 2x². अब इसको यहाँ पर उतारेंगे, प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस 2x² को फिर x से बटा में देकर सॉल्व करेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ पर किए है ना, माइनस 2x² बटा एक्स। अब इसको तोड़ेंगे क्या होगा, माइनस एक्स इंटू एक्स बाई क्या होगा, एक्स होगा, एक्स एस कटा क्या माना है, माइनस एक्स,
तो माइनस एक्स को यहाँ पर रखेंगे, इस माइनस एक्स को इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करें माइनस टू को माइनस एक्स से इंटू करेंगे, माइनस टू को क्या करेंगे माइनस एक्स से इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और क्या होगा टू एक्स, तो क्या आया टू एक्स, तो टू एक्स यहाँ रखेंगे प्लस टू एक्स, अब क्या होगा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, और क्या होगा ये कट जाएगा ये माइनस होगा, क्या मान बचेगा थ्री एक्स में माइनस टू एक्स जाएगा तो बचेगा एक्स, और ये बचेगा माइनस टू। अब क्या करेंगे एक्स को एक्स से बटा में देखे सॉल्व करेंगे कुछ मान लेंगे एक्स बटा एक्स होगा, मान एक्स एक्स कटा तो मान क्या है प्लस वन आया, इस प्लस वन को यहाँ रखेंगे, अब इस प्लस वन को इससे इंटू करेंगे, सबसे पहले एक्स से इंटू करेंगे तो क्या होगा एक्स होगा, माइनस टू से इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस टू होगा, अब क्या होगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, कट के क्या है जीरो, तो यहाँ मेरा जी ऑफ एक्स क्या निकला ये निकला मेरा भागफल जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ये वो आंसर। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।